देखिए, ग्राम है थीरा, गन्ना विकास परिषद एवं गुलरिया एवं चीनी मिल पलिया का ये गांव है। और इस खेत में देखिए मैं खड़ा हूँ, इसमें CUL के 14201 गन्ना लगाया गया है ट्रेंच बिस से शरदकालीन, और उसके साथ में ये सरसों लगाया गया है सह फसल के रूप में। तो हमारे साथ देखिए चीनी मिल के मोटिवेटर हैं उमा शंकर जी। तो उमा शंकर जी, प्लांट तो बहुत अच्छा है, जी अक्टूबर कब बोया गया है? में अक्टूबर में बोया जी गया। अच्छा, अक्टूबर में, अक्टूबर के लेट बोया गया हाँ होगा, लेट लेट अक्टूबर है मतलब अक्टूबर के पांच नवंबर में, पांच या 5-7 नवंबर को 5-7 नवंबर को देखिए बोया गया था। वो काफी लंबा प्लांट है, कितने मीटर होगा ये? 160 मीटर होगा 160 लगभग। मीटर लंबा है ये प्लांट, और हाँ करीब ये 4 एकड़ होगा, चार एकड़ से हाँ 4 एकड़ होगा। 4 एकड़ का प्लांट है। देखिए कितना भारी भरकम है, और आप शानदार प्लांट देख रहे होंगे। तो उमा शंकर जी बताइए, ये जो प्लांट लगाया गया है तो कितनी दूरी है ये ट्रेंच से, यहाँ बीच से नाली की? ये यहाँ से यहाँ तक 4 फीट होगी, 4 फीट है, 4 फीट की दूरी है ट्रेंच बीच से। अच्छा, गन्ना प्रजाति कौन है? 14201 14201। अच्छा, ये बताइए, इस बार ये जो नई प्रजातियां हैं CUL के 14201, कोसा 13235 और CO1523, जी। इसमें सबसे ज्यादा बुआई किसकी हो रही है? 14201 ज़्यादा पसंद करते क्यों हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं इसको? ये चौदह गन्ना गिरता नहीं है गन्ना गिरता नहीं है, और टिलिंग अच्छी होती है टिलरिंग अच्छी है, जी, पेड़ी भी अच्छी है इसकी। पेड़ी अच्छी होती अच्छा, है। फिर दूसरे नंबर पे 1523 15023 में। अच्छा, 15023 किसान शरदकालीन में बुआई ज्यादा पसंद करता है या बसंतकालीन में, वसंतकालीन में क्यों? बसंत बोगना वजन गन्ना होता है, गिर जाता है अच्छा, ज़्यादातर, गिर जाता है, और हमें लगता है वो जल्दी पक जाता वो है। जल्दी पक जाता है, और जो 14201 है गिरता नहीं है, हाँ, तो वो बसंत में इसलिए बोया जाता है नहीं है तो ताकि वो गिरे ना। गिरे नहीं और वजन ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि जी वो करीब 10-12 महीने में अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती है 15023 गन्ना प्रजाति। अच्छा, सरसों तो बहुत अच्छी है, ये बहुत पीला अच्छी सरसों है पीली क्या? तो सरसों है, कितना सरसों इसमें किसान काट लेते हैं, 4-5 कुंतल सरसों हो जाएगा क्या भैया? लगभग 6 कुंटल एकड़ की। अच्छा, 6 कुंतल एकड़ जरूर हो जाएगा कह रहे हैं, और तो करीब करीब ये समझिए कि अगर 4 एकड़ है तो छो जो करीब 25 कुंतल सरसों हो जाएगा, 25 25 छक्का 150, 1.5 लाख की लाही हो डेढ़ जाएगी, लाख की लाई छः है हजार में तो बिक ही रहा होगा, जी। चला तो ये अतिरिक्त लागत मिल जाएगी। निकाई और अगर सरसों नहीं लगाते तो क्या पैसा दे रही होते खेत, या इस पे घास उग रही होती, गुड़ाई नहीं होती, निकाई गुड़ाई और नहीं एक दे होती? इससे और फायदा है कि जानवर का जो है पीड़ का वगैरह है वो जानवर नुकसान नहीं अच्छा, करते। जानवर, देखिए एक नई बात इन्होंने बताई, सही कह रहे हैं कि सह फसल जिस खेत में होता है उसमें गन्ने में जानवर नुकसान नहीं करते हैं, जानवर तो क्या वो सरसों खाने आते हैं, गन्ना नहीं खाते हैं? नहीं, सरसों खाते नहीं है अच्छा, सरसों नहीं खाते हैं जानवर? वो सरसों इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा मतलब कड़ी होती है सरसों, अच्छा, मतलब कि थोड़ा देखिए महक भाई, से दूर रहते हैं। हाँ देखिए ये बात सही कहा सरसों है, इन्होंने कि धनिया है, धनिया हाँ, सरसों है, धनिया है, तो ये जानवर नहीं खाते हैं सरसों को, तो नुकसान भी नहीं होता है जंगली जानवरों से या जो आवारा पशु हैं उनसे, तो काफी अच्छा है देखिए खेत। और बड़े बड़े प्लाट देखिए यहाँ अच्छी तरीके से बुआई करते हैं कृषक, और सह फसल जरूर लेते हैं। जी चलिए बिमल जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा दिखाया। अच्छा, ये बताइए उत्पादन कितना 14201 का हो जाता है एकड़ चौदह में? 1400 उत्पादन, 1300 कुंटल हेक्टेयर, 1300 कुंतल हेक्टेयर, मतलब ये बने 400 के आसपास, 400-500, 400 400-500 पाँच सौ कुंटल कुंतल एकड़ में एकड़। हो जाता है। तो धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा प्लाट दिखाया, और सह फसल का बिल्कुल देखिए 160 मीटर है वहां तक, लेकिन लाइनें बिल्कुल सीधी है। ठीक है भाई, जी धन्यवाद। सर।